तो फाइनली हम पहुंच चुके वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। संडे को तो भाई साहब कुछ खुला ही नहीं है यहाँ पे। वह अपना टिकट घर और हम लोग इधर से एंटर करेंगे। ये अपना टिकट काउंटर, ये कुछ रेटिंग्स है और हाँ 720 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ये टैक्सी वालों को। तो मैं अपनी गाड़ी में वापस आ चुका हूँ। पीछे आप देखोगे तो टिकट काउंटर है, बट भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। अभी शाम के ट्रिप में लगभग 20 गाड़ियाँ जाएंगी और प्रति पर्सन 7 टिकट्स अलाउड है, और कुछ नहीं तो अभी 30 लोग बैठे हुए थे। मैं गुड सिनेरियो मान के चलता हूँ, शायद हमको टिकट मिल जाएगी। टिकट मिल गई तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ना ही दिखे शाम को और अंधेरा हो जाए। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है, अभी 2 बजे टिकट देना चालू करेंगे, फिर अराउंड 3 o'clock हमें ले जाएंगे। 1.5 घंटे का एडमैक्स मेरे ख्याल से सफारी रहेगा, उसके बाद रिटर्न हमें अपने घर जाना है। हमारा घर लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। और दिक्कत यहाँ पे केरला में मैंने जो फेस की, खाना वाना तो अपनी जगह पे, सब अपना अपना स्टेपल फूड रहता है सबका। 5:30 होते होते दुकानें बंद हैं, कैफेज एक दो खुले मिल गए कल तो पेट भर गया था, बट इन जनरल दुकानें बंद हो जाती है। आज तो संडे के दिन एक भी दुकान मिली ही नहीं। मेरे को अपनी कार वॉश करानी है, इतनी ज़्यादा गंदी हालत हो रखी है, बट संडे के दिन एक भी दुकान खुली नहीं है। इतने मुश्किल से तो हमें दुकान मिली, बट 3-4 लगातार हमने चेक किया, सारी की सारी बंद है। देखते क्या होता। तो हमको टिकट तो मिल गई है और ये जिप्सी आ गई है, इसमें हम 7 लोग बैठेंगे। पता नहीं कैसे ही हटेंगे। कुचम कुचा हो रखा, ऊपर की रोड मेरे सर में अड़ रही है यार। तो स्टार्टिंग में ही हमको प्रदर्शनी के लिए एक हाथी को बांध के रखा हुआ है इन लोगों ने मेरे ख्याल से, तो इतने दूर का मुझे दिख नहीं रहा। बड़ा आइवरी वाला एक हाथी है। फोकस होगा ना उतने देर में हाथी भाग भी जाओगे। मेरे गांव में बहुत है, मेरे तो छाती पे चढ़ा हुआ था टोड। क्या है इतना भारी, हार्ट अटैक आगे लगता है मुझे, बाद में मैं इंडिया बैठा हूँ। अभी तक बस जंगल सफारी चल रही है, मतलब जंगल सफारी तो के लिए तो आई थे, बट एनिमल्स के नाम पे हमने बस अभी तक हाथी देखा है। नजारे हैं, पेड़ ही पेड़ है भाई साहब, पेड़ ही पेड़ है। ऊपर से देखो भाई, 360 का जुगाड़ करा दो यार मेरे लिए भी। फाइनली हाथी के बाद पीकॉक दिखा भाई। पीकॉक कहाँ है, कहाँ है, वहाँ पे ज़ूम करता हूँ, कहाँ दिख रहा है यार, किसको दिख रहा है पीकॉक।
हो रहा है, कैमरा कैप्चर कर पाए ना कर पाए। पीकॉक भले ना दिखे, एंट हिल बहुत दिख रही है। अच्छा वाला देखो इंसान जो बराबर जंगल सफारी अंत होने को आ गई है। हमने बस एक हाथी देखा, एक शेर के पंजे के निशान देखे, मोर देखा और बहुत दूर में खड़े हिरणों का झुंड देखा। बस ये लंबे लंबे पेड़ हैं, बस यही पेड़ ही देख रहे हैं हम तब से। मैं कुछ और चीज़ के लिए ले रहा हूँ। अपन लोग 3:15 गाड़ी में चढ़े थे और अभी हो रहा है 4:22 हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा ही मान के चलता हूँ मैं, 1 घंटे का पूरा जंगल सफारी रहता है और उसके लिए हमें कुछ नहीं तो 2.5 से 3 घंटा पहले आना पड़ता है, नहीं तो टिकट ही नहीं मिलेगी। ये बस पेड़ देखते जाओ तब तक।